वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:30। आज आए हम लोग सिरसा सुरकिला, तो चलिए अंदर चलते हैं। मैं अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ ऋतुराज। ये शुरू कर, यहाँ से जाते हैं तो एक बढ़िया सा व्यू आते हुए यहाँ से। तो चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ से नीचे उतरते हैं। यहाँ से व्यू देखिए। पहले के ज़माने में ना बहुत वो था, बढ़िया कालीगरी होता था। यहाँ से जाते हैं बहुत ऊपर ऊपर। यहाँ तोप रखने वाला था और यहाँ से देखिए आप व्यू बहुत गहरा। पानी कितना फीट गहरा है? ये बहुत गहरा है, 10 हाथी डूब जाए, 10 से ज़्यादा। 10 हाथी डूबने उतना पानी। मछली भी है, वही दिखा रहे हैं यार। दिखेगा तब ना, मछली तो है। अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो तब भी ठीक है। यहाँ से भी बढ़िया व्यूज है। देखो ये देखो, यहाँ से देखो ये खुफिया सुरंग। इसमें आज तक कोई नहीं गया। इधर से निकलने का था रास्ता, पर कोई नहीं जाता। महल में सीधा जाता आदमी। फिर एक चीज खराब है यार ये लोग का। देखो सोनू, शिवानी, बिट्टू, कुछ भी, इतना बढ़िया जगह पे भी कुछ भी करता है सब। देखो क्या डिजाइन, देखिए यहाँ का। यहाँ से आगे जाते हैं तो इधर भी एक मस्जिद है और वहाँ हिंदू का मंदिर है। अच्छी बात है। यहाँ से जाते हैं, जगह जगह पे सुरंग बनाया हुआ है। आइए देखो, जेल दिखाओ, जेल। आइए आपको दिखाते हैं हम लोग जेल, पहले जमाने का जेल। ये पहले जमाने का जेल, पर अंदर कूड़ा फेंक दिया जानबूझ के सब। खतरनाक जेल है। यहाँ से जाते जाते आगे, अभी वहाँ भी जाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे उस जगह पे, वहाँ जाया जाएगा। फिर यहाँ से ये सब गुड़िया एंड अरमान, ये सब अच्छा नहीं है, अच्छा चीज़ नहीं है ये सब। ये इतना अच्छी जगह पे ये सब क्या करता है ये लोग? जगह जगह के तोप का जगह है ये पूरा, जितना भी जहाँ जहाँ पत्थर इधर निकला है ना, वहाँ तोप का जगह है। यहाँ से जाते हैं, यहाँ से आगे जाते हैं। बहुत रेयर मछली होती है, गोल्डन मछली। और पीछे आप लोगों को दो कपल्स दिखे होंगे, उन लोगों के सामने बोलने में डिफिकल्टी होता है। देश का झंडा कहाँ? किधर? हाँ देश का झंडा है यार। और एक चीज़ बढ़िया है हम लोग का देश का झंडा, इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए। यहाँ पर एक जेल था, बंद हो गया, नहीं है होगा। बढ़िया ही जेल है पहले के ज़माने का नुस्खा। पहले के ज़माने का था, कहीं पकड़ा गया तो तुम्हारा सर भी यहीं, धड़ भी है। यहाँ जाते तो यहाँ जाते 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 कहाँ है रे, इसको क्या बोलते हैं रे? अरे ये सब वो है, बालकनी व्यू है। पर पहले के ज़माने में आर्ट्स बढ़िया है। यहाँ पर आदमी सब खड़ा के अपना देखते हैं। यहाँ का भी है पूरा सिरसा रोजा का पूरा टूर, तो लाइक करें। और ये मेरा दोस्त है यहाँ ऋतुराज है, क्लासमेट है, DAV में पढ़ता है मेरे ही साथ। बस एक डिफरेंस है कि हम संस्कृत लिए, ये हिंदी लिया। यहाँ से यहाँ देख सकते हैं, ये दिक्कत है ना, यहाँ डस्टबिन यहाँ सामने है, तब भी यहाँ कचरा फेंका है सब। हम लोग आए वहाँ, कपल्स भी जा रहे हैं इधर, ये सब काम बहुत ख़राब है। यहाँ घूमने आना है आओ। और वहाँ है कि जो आपको वो दिख रहा है वो एक तरीके से टनल ही है, जैसे पहले यहाँ बोट चलता था, मतलब तो इधर से उस साइड जा सकते हैं। तो अब नहीं, बोट ख़राब हो गया, यहाँ चलता नहीं है क्योंकि लॉकडाउन, क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद सारा चीज़ बंद हो गया यहाँ। और यहाँ से भी बोट भी है वहाँ, और यहाँ DSLR का दे रहा है 200 रुपये का एक टिकट। DSLR कौन खिंचवाएगा? DSLR से 50 रुपये का एक नहीं, 200 का बोला।
तो यहाँ से बढ़िया व्यू आता है छत पे पूरा। यहाँ से ये पानी भी इसमें आप लोग देखे होंगे खूब सारा मछली सांप, बहुत गहरा है, मतलब कम से कम 10-20 हाथी इसमें डूब सकते, इतना पानी है। अच्छा लगा तो लाइक करें, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ा देर के बाद घर पहुँच के। तब तक घर तो पहुँच चुके हैं, अभी नींद आ रहा है, पूरा थक गए हैं। तो ये शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर आपको सेठ ससुरी का टूर अच्छा लगा हो तो तब भी लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें। ऐसा हो रहा है कि सब कोई वीडियो देख रहा है पर सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो ऐसा मत करिए। और इस ब्लॉग में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।